नहीं, सबसे पहले तो आई वुड हैव टू बी थैंकफुल टू OCA and Mr. Sanjay Bihari ji, first of all, that they approached me and they gave me an opportunity to come and coach and come and become the chief coach here, which is always, you know, a responsible job, and I have to look after, you know, not just Ranji Trophy but the other groups as well when the time permits. So it's a great responsibility. I always feel that Odisha have a lot of talent, lot of potential, but they just need a little bit of direction. They've always been there and thereabouts team. You know, even in Ranji Trophy they played quarterfinals. So they've been there and thereabouts, but they haven't gone to the next hurdle. So hopefully my job is to give the boys a lot of confidence. Hopefully they can play to their best and get Odisha to the next level. ज़्यादातर खिलाड़ी आपके साथ खेल चुके हैं, ज़्यादातर को आपने जाना भी है, तो उड़ीसा टीम में ऐसा किसी क्या था जो जिस वजह से टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी और ये समस्या था टीम के साथ? नहीं, आई डोंट नो, अभी मैं इससे पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे था नहीं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है बच्चों में. आई ऑलवेज सेड के, यू नो, इवन जब मैं विदर्भा के लिए भी कोच था, सॉरी विदर्भा के लिए जब मैं खेल रहा था, आई ऑलवेज फेल्ट के दे वर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो विच इज़ समथिंग प्रोबेबली रेलेवेंट हेयर ऑल्सो. कि थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगा उस वक्त खेलने के दौरान? नहीं, जब मैं खेल रहा था तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे उड़ीसा में. ऑब्वियसली देवाशीष वॉज प्लेइंग, बसंत वॉज देयर, रश्मि रंजन, संजय राहुल, सो दे हैड अ वेरी गुड टीम, SS Das. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सप्लाई लाइन नहीं आई है, बट आई एम श्योर के, यू नो, देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन ओडिशा. उनको सिर्फ नो, आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले एट देयर ऑप्टिमम, यू नो, दैट इज वाई आई एम हेयर, यू नो, एज अ कोच के, यू नो, गिव देम कॉन्फिडेंस एंड प्ले, मेक देम प्ले टू देयर बेस्ट एंड द टीम नीड्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. माई जॉब इज टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड मेक एवरी इंडिविजुअल टू प्ले टू देयर बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. नई जगह, नई खिलाड़ियाँ और चुनौतियाँ आपके सामने क्या क्या रहेंगी इसके सामने? चुनौती तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कोविड को लेके हम लोग कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टूर्नामेंट कब होंगे, कैसे होंगे. जब नॉर्मल सिचुएशन थी तो हम लोग बुच्ची बाबू जाके खेल सकते थे या KSCA जाके खेल सकते थे, अब वो सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो उसके अंदर से हम लोगों को, यू नो, आई ऑलवेज फील के देयर इज़ नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि हमारे लिए जो सिचुएशन है सारी स्टेट्स के लिए वो सेम सिचुएशन है, बट उसके अंदर हमको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है. सो वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड डू अ बेस्ट. और जैसे मैंने कहा है कि ये बच्चे डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड है, इनके अंदर पोटेंशियल है, दे जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस और थोड़ा टाइम की ज़रूरत है. यू नो, ये कोई मैजिक बैंड नहीं है कि वसीम जाफ़र आ गया तो मतलब 15 दिन में ओडिशा, कर्नाटक या मुंबई जैसा खेलेगी. यू नो, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है, वो प्रोसेस लगता है, बट आई एम श्योर वी विल डू अ बेस्ट. तो उन तकनीकियों को लेकर किस तरह से मतलब खिलाड़ियों को तैयार करेंगे, खासकर ओडिशा के लिए तो अच्छा मदद होते रहेंगे? तकनीक तो वही है, ये बच्चे सारे ही खेल चुके हैं, T20 खेल रहे हैं, वनडे खेले हैं, Ranji Trophy खेले हैं, सिर्फ लास्ट सीजन नहीं हुआ था Ranji Trophy. सो दे ऑल आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ द न्यू टेक्निक और न्यू फॉर्मेट्स, तो ऐसी कोई बात नहीं है. दे लाइक आई सेड के उनको थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है. नहीं, हमारी टीम के पास बॉलिंग कोच भी है, फील्डिंग कोच है, मैं बैटिंग ऑब्वियसली देख सकता हूँ, और इतना जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको नॉलेज होती है, जाहिर सी बात है, आप उतना उस लेवल में स्पेशलाइज नहीं होते हैं, बट वी हैव गॉट बॉलिंग कोच, वी हैव गॉट फील्डिंग कोच, सो हमारे बेसिस तो कवर्ड है. फैसिलिटीज़, यू नो, अच्छी खासी है, खाली अभी ऑब्वियसली आउटडोर हम लोग कब, थोड़ा मौसम की भी दिक्कत है, बट जैसे ही आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा वी विल गो आउटसाइड एंड प्रैक्टिस. तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने प्लेयर्स को बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देंगे और उनको बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज देंगे, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट, है ना. जैसे OCA ने, जैसे जिस तरह से संजय जी ने विजन 2024 जो किया है, तो वो जो स्टेप है वो स्टेप इसलिए है कि आप बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज दें प्लेयर्स को, आपके स्टेट के हर जगह पे क्रिकेट पहुँचे, जो अंडर प्रिविलेज भी लोग हैं, जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनके पास भी फैसिलिटीज़ पहुँचे, और सारी ये चीज़ों की वजह से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं. जैसे मैं विदर्भा को खेल रहा था तो उन्होंने 2009 में जो एकेडमी थी, रेसिडेंशियल एकेडमी इंडोर, ये 2009 में शुरू किया था, बट जाके 2018-19 में वो लोग ने अपनी पहली Ranji Trophy जीती. तो ये प्रोसेस होता है कि आप वो एक, जब आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है, एज लॉन्ग एज आपका प्रोसेस बराबर। इस तरह की चुनौती रहेगी आपके पास आपके रणजी ट्रॉफी सीजन को जल्द से जल्द शुरू होने की चुनौती तो अभी हम लोगों ने अभी कैंप हमारा शुरू हो रहा है 3 हफ्ते का, उसके बाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस है, तो बच्चे लगातार क्रिकेट खेलते ही रहेंगे। तो बाय द टाइम मुश्ताक अली शुरू होगा जो एक्सपेक्टेड है 20 अक्टूबर से, तो होपफुली अच्छे टच में होंगे सारे। और जो ऐप हम लोगों ने शुरू किया है तो उसमें हमको खुद पता चल जाता है कि कौन परफॉर्मेंस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर क्रिकेट है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा, कोई भी बच्चा रिफ्यूज़ नहीं होगा। यू नो कि आपके पास डेटा अवेलेबल है कि कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अनफेयर सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, वही उसका प्रोसीजर है। तो अगर अच्छे लड़के आएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आएगा ही। सबसे बड़ा सवाल है उड़ीसा के बारे में कि 2 दशकों पहले जब उड़ीसा से 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे थे, क्योंकि अब 2 दशकों के बाद कोई खिलाड़ी ऐसे नहीं चुने गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। तो जो उम्मीद है आप उड़ीसा वासियों की, जो उड़ीसा के लोगों की, उस उम्मीद को आप किस तरह से पूरा करेंगे नए खिलाड़ियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के? जी बिल्कुल, उस टाइम पे थोड़ा टाइम्स भी डिफरेंट था। उस टाइम पे रणजी ट्रॉफ़ी को बहुत वैल्यू थी, दिलीप ट्रॉफ़ी खेला जाता था, आईपीएल नहीं था। अभी बहुत सारा फोकस आईपीएल के ऊपर है ना, बहुत सारी सिलेक्शन इंडियन टीम की आईपीएल के ऊपर से होती। तो अगर ये बच्चे अच्छा खेलेंगे ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफ़ी में, मुश्ताक अली में, तो कहीं ना कहीं जो स्काउट्स होते हैं आईपीएल स्काउट्स, क्योंकि मैं खुद भी आईपीएल से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो स्काउट्स टैलेंट देखते हैं, है ना। हमने देखा है कि वो अजहरुद्दीन जो लड़का था उसने 1 इनिंग खेला, ही गॉट पिक्ड फॉर आरसीबी, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो समवेयर जैसे मैंने कहा कि वो बच्चे अगर उस लेवल पे परफॉर्मेंस करेंगे और वो आइडेंटिफाई होंगे तो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। वैसे जिस तरह से टीम इंडिया में सिलेक्शन हो रहा है और जिस लेवल में बच्चे आ रहे हैं, सब उड़ीसा के लड़के उस लेवल को आने में अभी कितना टाइम लगेगा या फिर वो ये निखार कब तक आ पाएगा आप सोचते हैं? टाइम फ्रेम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर चीज़, हर प्रोसेस को टाइम लगता है। बट अगर हम उनको अगर बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी देंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। यू नो, हो सकता है कि इसी सीज़न में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मिल जाए, है ना। हम देखते हैं कि लड़के परफॉर्मेंस करते हैं, 30-35 विकेट निकालते हैं, 600-700 रन बनाते हैं। बट आज की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आजकल रणजी ट्रॉफ़ी से ज़्यादा आईपीएल को महत्व दिया जाता है। बट अगर उड़ीसा के लड़के आईपीएल में खेलेंगे ही नहीं तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो पेशेंस अगर हम रखेंगे, एज लॉन्ग एज हम सही चीज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट बिल्कुल दिखेगा।